रिकॉर्डिंग लगा दूं। देखो पहले फर्स्ट पार्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फाइंड करना है बिटवीन द चार्ज, और ठीक है ये है सारा का सारा आपको गिवन है। क्या गिवन है देखो 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन था वो ऊपर वाले पेज पर चला गया, कितना था इनके बीच का 50 सेंटीमीटर है ना। चलिए ये दो चार्ज बॉडीज हैं आपके, ए और बी स्फीयर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है कितना 50 सेंटीमीटर, और चार्ज दोनों पर सेम है। कितना चार्ज गिवन है दोनों पर, दोनों पर ही आपको चार्ज गिवन है कितना 6.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 7 कूलम, 6.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 7 कूलम, ये गिवन है आपको चार्ज। ठीक है, अब इसमें पहले तो आपने फाइंड करना है क्या, इनके बीच का फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स तो सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 दोनों गिवन है, R भी गिवन है। अब हेलो, तो अब क्या करा, क्वेश्चन में कहा गया कि एक एक सेम है आइडेंटिकल साइज का, सेम साइज का अनचार्ज है, कौन सा सी स्फीयर, सी स्फीयर सी को ए के साथ कांटेक्ट में रखा, तो अब कुल मिलाकर के दोनों पर जो चार्ज होगा, देखो सीधी सी बात है चार्ज ऑन ईच कितना होगा, चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन सी अपॉन टू। अब यहाँ ए पर कितना चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, सी पर कितना चार्ज है 0 अपॉन टू, तो दोनों पर ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो चार्ज ऑन ए कितना बना, क्यू ए आपका बना ये 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाय 2, मैं इसे सीधे सीधे क्यू बाय 2 लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने क्यू ले लिया ना यहाँ। और चार्ज ऑन सी कितना बचा, चार्ज ऑन सी इट इज ऑल्सो क्यू बाय 2, करेक्ट। अब आगे क्या कहा क्वेश्चन में, अब जरा ध्यान से समझने की बात है, अब ध्यान से समझने की बात है। कंडीशन ये बनी कि ए पर चार्ज है इस टाइम, ए पर चार्ज कितना है क्यू बाय 2, और सी पर चार्ज है कितना वो सॉरी बी, बी पर चार्ज कितना है क्यू बी है क्यू, और सी पर चार्ज कितना है, सी पर चार्ज है क्यू सी है क्यू बाय 2, ये कंडीशन है। अब क्या करा कि इन दोनों को टच कर दिया, इन दोनों को टच कर दिया, बी और सी को आपने टच कर दिया, तो अब इनमें से हर एक पर कितना चार्ज होगा चार्ज ऑन ईच बी एंड सी कितना होगा क्यू ए प्लस क्यू सी बाय 2, कितना बनेगा ये क्यू ए कितना है क्यू है, क्यू सी कितना है क्यू बाय 2 है और अपॉन 2, तो कितना हो गया 3 क्यू बाय 2 अपॉन 2 सीरीज कितना बना 3 क्यू बाय 4, क्यू क्यू भी आएगा क्यू बी प्लस क्यू सी, हाँ कितना क्या चीज क्या क्या क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी आएगा, अच्छा क्यू बी आएगा, सॉरी सॉरी यार क्यू बी प्लस क्यू सी अपॉन 2, तो क्यू बी बी पर कितना चार्ज है, बी पर तो पूरा क्यू चार्ज है, सी पर कितना चार्ज है क्यू बाय 2 चार्ज है सी पर, तो इसलिए दोनों पर चार्ज कितना हो गया कुल मिला करके क्यू प्लस क्यू बाय 2 अपॉन 2, तो 3 क्यू बाय 2 नहीं नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया, नहीं ठीक है 3 क्यू बाय 4 हो गया दोनों पर, सी पर भी और बी पर भी। अब सी को यहां से रिमूव कर दिया, तो जो सिचुएशन कुल मिलाकर के बन रही है, अब वो सिचुएशन ये बनी कि अब ए पर चार्ज कितना है क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय 2, और बी पर चार्ज कितना है, बी पर चार्ज क्यू बी इज इक्वल्स टू कितना है 3 क्यू बाय 4, समझ रहे बात। और अब इनके बीच में फिर से 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस गिवन है, जो भी डिस्टेंस गिवन है उसके बाद आप फाइंड कर लीजिए क्यू की वैल्यू कितनी लेनी है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, जो कि आपको यहाँ गिवन है क्यू ए और क्यू बी में दोनों में गिवन है 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7। क्लियर हो गई इतनी बात, ये वाली क्वेश्चन समझ गया ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पहले ए से टच किया अनचार्ज बॉडी को, सी को टच किया ए से, तो दोनों पर आधा आधा चार्ज हो गया, दोनों पर क्यू बाय 2 क्यू बाय 2 हो गया,
अब ए पर क्यू बाई टू है, बी पर क्यू है, सी पर क्यू बाई टू। अब सी को बी से टच कर दिया, तो जब बी और सी को आपस में टच किया तो दोनों पर कितना हो गया, दोनों के चार्ज के सम का आधा। बी पर चार्ज कितना क्यू, सी पर चार्ज कितना है क्यू बाई टू, तो कुल मिलाकर के बी पर भी और सी पर भी 3q/4 आ गया। अब नई कंडीशन क्या बनी कि ए पर चार्ज ये रहा क्यू बाई टू और बी पर चार्ज है 3q/4। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रखा है या डिफरेंट रखा है तो मुझे पता नहीं, हाँ सेम रखा हुआ है। रेडियाई ठीक है, सेम है ना सर, नहीं हाफ डे, हाफ डे, नहीं हाफ नहीं नहीं है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो 13 क्वेश्चन आ गया ना ये। सर। चार्ज चार्ज कम हो गया सर, डिस्टेंस को कुछ असर नहीं थर्ड पड़ेगा। स्फीयर इज सेम साइज बट अनचार्ज बॉडी विद एंड बॉडी इन कांटेक्ट विद फाइनली रिमूव्ड बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ, मतलब सेम डिस्टेंस लेके चलोगे जो ओरिजिनल डिस्टेंस गिवन था इनका 50 सेंटीमीटर ही लेके चलोगे यहां पर भी। हां क्या कह रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है आपको?